अभी तक का एक अलग एक्सपीरियंस था स्टे का भी, एंड ऐसे बाथरूम का ओपन ओपन टू एयर बाथरूम में। अभी का यहाँ का निशिकंदगा निसर्ग रिसोर्ट का स्टे हमारा ख़त्म हुआ, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मानी विलेज, जो कि 3 आवर की ड्राइव है। सो लेट्स गो। बहुत ही एडवेंचरस ये और स्टे होने वाला है इन अ टेंट। सो आपको अच्छा लगे, लेट्स सी। नेटवर्क रहेगा वहाँ पे तो वहाँ पे काम हो जाएगा, बाकी कुछ एक्टिविटी उतनी थी नहीं। पर अभी पता चला कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा, सो लास्ट हाफ एन आवर तक ही हमें नेटवर्क मिलेगा। इसके लिए स्नेहल अभी काम चालू कर रही है, हाफ एन आवर में जो भी काम हमें निपटाना है वो जितना मैक्सिमम हो सके उतना हम लोग करके वापस एक दिन का ब्रेक हो जाएगा। कल सुबह हम लोग डायरेक्टली नेटवर्क में आएंगे तभी काम हो पाएगा, इसलिए बेटर है कि थोड़ा बहुत काम करके हम लोग निकलेंगे। और हमारे साथ जो निसर्ग रिसोर्ट के ओनर है वो हमें लेके जा रहे हैं वहाँ तक, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। एक डेढ़ घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। सो एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि जो कल का एक्सपीरियंस जो रात का एक्सपीरियंस था मेरा बद्रक हाउस का वो भी फैंटास्टिक था। देन उसके बाद डायरेक्टली ये जो जंगल स्टे है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और जो बाकी सब चीज़ें उन्होंने की जो बता रहे थे कल के मीटिंग में वो भी काफ़ी एक्साइटिंग लगे हमें। मानी विलेज जाने से पहले हमें एक जंगल में जाना था कुछ काम से। और वही काम की बातें करते करते हमने वन भोजन भी कर लिया। ये वन भोजन प्लान नहीं था, पर कभी कभी ऐसी अनप्लान चीज़ें ही मज़ेदार होती है। इस वन भोजन के बाद हम लोग निकले मानी विलेज के लिए। रास्ते में हमें और एक जगह रुकना था और ये जगह थी मौनी महाराज जी का मठ। कहा जाता है कर्नाटक की यशस्वी मुहिम पे जाने के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मौनी महाराज जी का आशीर्वाद लेके गए थे। इसके बाद हम कच्चे रास्ते से होते हुए मानी विलेज पहुंचे। इस जगह में अलग ही सुकून था। यहाँ पहुँचने के बाद मन प्रसन्न हो गया। सामने हमारे टेंट्स देखे हम काफ़ी उत्सुक हो गए थे। तो
अभी हम लोग पहुंच गए हैं माणी माणी फॉरेस्ट कैंप एंड अभी 4:30 हो चुके हैं। सो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसा व्यू है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसके यहाँ पे हम लोग बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, जिसको पार बोलते हैं, जहाँ पे स्नेहल एंड यज्ञा भी चिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जर्नी था एंड बहुत थक गए हम लोग एक्चुअली। देन ये सब टेंट्स हैं, बहुत बहुत पीसफुल जगह है ये। सो ग्रुप के साथ अगर हम लोग आएंगे तो बहुत मज़ा कर सकते हैं। देन अभी फ़िलहाल हम लोग का तो है यहाँ पे क्योंकि वो कैमरा एंड चार्जिंग वो सब देखना है। पराग सब एडिटिंग का वगैरह देख रहा है, देन फाइल्स ट्रांसफ़र, फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र ये सब चालू है। तो देखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं देन बात करेंगे। पर उसी वक्त एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ सौर ऊर्जा से बिजली चलाई जाती है और उस वक्त हमारा लैपटॉप चार्ज होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। हमारा ऑफिस का एक अर्जेंट काम उसकी वजह से अटका हुआ था। तभी इस मुसीबत के चलते हुए हमने वहाँ से निकलने का सोच लिया और हमारे नेक्स्ट डे के डेस्टिनेशन कोकण के लिए निकल पड़े। वहाँ हम रात 8 बजे पहुँचे और रात 1 बजे तक जो काम था वो ख़त्म किया और हमारा दिन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे डे 5 की जर्नी। तो माणी विलेज हमें अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो लैपटॉप चार्जिंग का था और लैपटॉप चार्जिंग की वजह से हमारे 2 प्रॉब्लम थे। एक था जो हमें हमारा जो मेमोरी कार्ड से सभी कैमरास के वो फुल हो चुके थे, हमें ट्रांसफ़र करना था डेटा फ्रॉम कैमरास टू PC और हार्ड डिस्क, तो वो एक अनअवेलेबिलिटी थी क्योंकि उसके बिना हम लोग शूट नहीं कर पाने वाले थे आगे का जो हमारा स्टे था। एंड सेकेंड थिंग ऐसी थी कि हमारे पास अचानक से एक काम आया था जो हमें कैसे भी करके दूसरे दिन के मॉर्निंग में डिलीवर करना था। तो वी वर ओके वाइल ट्रैवलिंग की हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जस्ट हमें चार्जिंग चाहिए, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लैपटॉप के साथ हम लोग वो काम कर सकते थे एंड जब भी मॉर्निंग में हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो रास्ते में रुक के मेल हो सकता था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि लैपटॉप कोई चार्जिंग नहीं थी, तो हम लोग ने सडनली ये डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड जो दूसरी जगह है वहाँ पे जल्दी पहुँच के वो काम ख़त्म करके, वो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कोई भी कंडीशन पे हमें वो मिस नहीं करना था वो काम सेंड करना। सो हमें वो फाइनली वो डिसीजन लेना पड़ा। बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि हम लोग इतना पास आके ये कवर नहीं कर पाएंगे, बट आई प्रॉमिस यू गाइज कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कोल्हापुर में रहेंगे तभी ये चीज़ हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे एंड आपके आपके पास वो प्रेजेंट करेंगे। उसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब पॉजिटिव वाइब्स थी उस एरिया में बहुत। बट नेक्स्ट टाइम